तुम्हें वो बच्चा चाहिए और मुझे तुम्हारी सर्विसेस। अरे सोचा नहीं था कभी इस घर के बारे में ऐसा कहूंगा। उसका मर्डर हुआ है, ये केस पर्सनल है। मेरे सामने जबान नहीं चलती तो हाथ चलाते हैं। It's just a day's work. मैं उस हरामजादे को ढूंढ निकालूंगा और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है इस हफ्ते में, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले तो आज के दिन में जो बड़ी मूवी ओटीटी पे रिलीज होने जा रही है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दमन, जो एक बड़ी ओडिया मूवी है जिसे साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और जो मूवी हिंदी में भी थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन अभी इसका ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसे अभी आज के दिन में आओ नेक्स्ट के उड़िया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक भी इस मूवी को ओटीटी पे रिलीज नहीं किया गया है, जो हमें आज दोपहर को देखने को मिलेगी। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि तब तक अवेलेबल हो भी चुकी हो, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाए, क्योंकि आओ नेक्स्ट के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ हिंदी कंटेंट भी देखने को मिलता है, तो काफी चांसेस है कि ये मूवी भी हमें हिंदी डब में एक साथ ही देखने को मिल जाए। बाकी तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इस मूवी की ओटीटी रिलीज की लैंग्वेजेस को लेके। इसके बाद एक और वेब सीरीज है जिसको हिंदी डब में ही आओ नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज किया गया है, जिसका नाम है आयुष्मान मस्तराम। अगर आपने हिंदी 18 प्लस एडल्ट वेब सीरीज मस्तराम देखी होगी तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनी हुई यह वेब सीरीज है, जिसे कुछ टाइम पहले ही उड़िया लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, लेकिन अभी यह वेब सीरीज हिंदी डब में भी आओ नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। तो जिनको भी आहा वाली वेब सीरीज देखना पसंद है, ये आयुष्मान मस्तराम वेब सीरीज हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है आओ नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आज के दिन में ही हॉलीवुड की एक बड़ी मूवी को रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है एलियन रोमुलस, जो आज के दिन में ही हमें रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन अफसोस ये मूवी हमें अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है, जिसको हिंदी डब में रिलीज तो किया जाने वाला है क्योंकि हिंदी डब में थिएटर्स में भी देखने को मिल चुकी है, लेकिन ओटीटी पे हमें कब देखने को मिलेगी उसका आंसर तो यही है कि इस मूवी को रेंटल बेसिस पे ही Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा जब इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा, जो एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें एलियंस की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी टॉप की है, और इस मूवी को इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था थिएटर्स में भी। तो ये मूवी हमें इसी अक्टूबर मंथ के ही लास्ट वीक तक हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसे Amazon Prime पे ही रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया हॉलीवुड की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लॉन्ग लेग्स, जो एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था, और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन हिंदी डब में देखने को नहीं मिली थी। तो अभी आज के दिन में इसको लेके एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी हमें आज के दिन में ही Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसे ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, और आज के दिन में ही एक्सपेक्टेड है कि दोपहर तक हमें हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2017 में कोरियन मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बिकॉज आई लव यू, जो एक साउथ कोरियन फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ तमिल, तेलुगु एंड हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो अभी इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.5 की है, जिसमें हमें एक सॉन्ग राइटर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़े एक्सीडेंट के बाद उसमें कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं कि वो अपने शब्दों से किसी के भी प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए उनकी हेल्प कर सकता है। तो कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे आप अभी Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी हिंदी डब में देख सकते हैं इंडिया में। इसके बाद साल 2016 में एक साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है प्रीटी अगली, जो
जो भी एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसके अभी सभी एपिसोड्स को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है Amazon MX Player के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही। जी हाँ, इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड जो सीजन 1 के टोटल 20 एपिसोड्स हैं हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX Player के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद एक और साउथ कोरिया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसका नाम है स्वीट एंड सॉल्टी ऑफिस, जिसे साल 2018 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी इस वेब सीरीज के भी सभी एपिसोड्स जो भी टोटल 20 एपिसोड्स हैं जिन्हें अभी इंडिया में प्लेफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है हिंदी डब में, जिसे अभी आप एयरटेल एक्सट्रीम के साथ देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही, जिसके सीजन 1 के सभी 20 एपिसोड्स अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं प्लेफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं कल के दिन की, मतलब के 16 अक्टूबर की, जब Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे हमें एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो है तो ओरिजिनल अमेरिकन वेब सीरीज जिसका नाम है स्वीट बॉबी, लेकिन हमें कहानी इसमें अमेरिकन इंडियन लेडी की देखने को मिलने वाली है जो पंजाब से बिलोंग करती है और वहीं की ही बॉर्न होती है और अभी उसे एक पंजाबी लड़के से ही प्यार हो जाता है और उनका ये रिश्ता काफी सालों तक ऑनलाइन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन अभी तक भी वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और बाद में जब सच्चाई निकल के सामने आती है वो पूरी तरह से आपको भी शॉक करने वाला है, जो एक सच्ची कहानी है एक अमेरिकन इंडियन लड़की की। तो पूरी कहानी क्या रही थी वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है, जिसे अभी कल के 16 अक्टूबर के दिन से ही दोपहर 12:30 बजे से Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद 16 अक्टूबर को ही Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जो एक ओरिजिनल पॉलिश मूवी है जिसे पॉलिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है और कहानी भी काफी बढ़िया होने वाली है, जब 1990s के दशक में एक बड़ी बैंक में रॉबरी होती है और उसी रॉबरी के केस को ही जल्दी सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया डिस्चार्ज हुए पुलिस ऑफिसर को फिर से दोबारा बुलाया जाता है जो अभी इस रॉबरी वाले केस को सॉल्व करने वाला है। तो उसको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में ही केस को सॉल्व करना होगा, तो कैसे वो करते टाइम में इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसे भी अभी कल दोपहर से ही पॉलिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद कल के दिन में ही Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे मतलब के 16 अक्टूबर को एक और नई हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है आई एम ए किलर, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है और अभी इस वेब सीरीज का नया सीजन रिलीज होने जा रहा है, जिसमें हमें असल जिंदगी में से कुछ ऐसे क्रिमिनल्स की कहानी देखने को मिलती है जो किसी को जान से मारने के बाद सजा काट रहे होते हैं, तो उन्होंने क्यों और कैसे मारा था और अभी वो कैसा फील कर रहे हैं वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है अगर आपको ट्रू क्राइम्स के बारे में देखना पसंद है तो। बाकी बढ़िया बात है कि इसे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं इस थर्सडे के दिन की, मतलब के 17 अक्टूबर की, जब Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी साइकोलॉजिकल ज़ॉम्बी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जो कि पहली बार होने वाला है कि फिलिपिनो मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा और ये एक बड़ी मूवी होने वाली है जिसकी सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है और इस मूवी का ट्रेलर देखते हुए आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मूवी हॉलीवुड की नहीं है और ज़ॉम्बीज भी इस मूवी में वो टिपिकल वाले नहीं होने वाले जिसमें हमें कुछ अलग ही टाइप का हॉरर देखने को मिलेगा और कहानी भी उसके साथ एक फैमिली की होने वाली है जिनके पास्ट में कई राज छुपे होते हैं, मतलब कि एक डराने वाली कहानी तो है ही उसके साथ ही मिस्ट्री और थ्रिल भरी कहानी भी है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है इस थर्सडे के दिन की, जिसे अभी 17 अक्टूबर से दोपहर 12:30 बजे से Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे तगालोग एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। तो ये भी इस हफ्ते के एक मस्ट वॉच और बड़ी मूवी होने वाली है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी पिछले कुछ टाइम में आपने कुछ इंडोनेशियन मूवीज को भी देखा होगा जो हिंदी डब में रिलीज की गई है, तो अभी Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे इस थर्सडे को ही एक और बढ़िया इंडोनेशियन मूवी हिंदी डब में रिलीज की जाने वाली है, जो एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसका नाम है द शैडो स्ट्रेस, जिसमें हमें एक लेडी असासिन की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसके लिए किसी को भी मारना चुटकी का काम होता है। तो अभी एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है जिसको बचाने का ही मिशन होने वाला है इस लड़की का, जिसके रास्ते में जो भी आएगा ये उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तो ये एक्शन और थ्रिल भरपूर कहानी होने वाली है इस मूवी की, जिसे अभी इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से ही Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडोनेशियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही मतलब के 17 अक्टूबर को ही एक और Netflix की ओर से बढ़िया वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसे भी हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द लिंकन लॉयर का सीजन 3, जो एक क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें हमें एक ऐसे लॉयर की कहानी देखने को मिलती है जो कई सारे क्रिमिनल केसेस को कोर्ट में लड़ते हुए देखने वाला है, जिसके पहले दोनों सीजन को ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और अभी इस सीरीज का सीजन 3 भी आ रहा है, जिसके सीजन 3 के पार्ट 1 को अभी 17 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे से Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी कर दिया जाएगा और बाकी रहता हुआ पार्ट 2 हमें जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें इस सीरीज के सीजन 3 के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा।
इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है ब्रदर्स, जो भी एक बढ़िया एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे भी अभी 17 अक्टूबर से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए 17 अक्टूबर को ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई पंजाबी थिएटर वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी शातर, जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी तक भी इस मूवी को OTT प्रीमियर नहीं किया गया था। तो ये मूवी अभी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे 17 अक्टूबर से ही OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक बड़ी गुजराती हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को अनाउंस किया गया था जिसका नाम है जमकुड़ी, जिसकी कहानी स्त्री मूवी के साथ मिलती जुलती सी है लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट। तो कहानी थोड़ी सी अलग भी होने वाली है जिसको अभी ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है लेकिन ओनली गुजराती ऑडियंस के लिए ही, क्योंकि अभी इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया जाने वाला तो हिंदी ऑडियंस के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में, बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।